वेलकम टू आयुष आयुर्वेदा चैनल। आज हम आपको गंधक रसायन के बारे में विस्तार से बताएंगे। गंधक को अंग्रेजी में सल्फर कहते हैं। यह एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी हुई एक सुप्रसिद्ध दवा है। यह दवा ब्लड से रिलेटेड कई बीमारियों के काम आती है। इस दवा के सेवन से ब्लड प्यूरीफाई होता है और हमारे शरीर के विषैले तत्वों को पेशाब के द्वारा बाहर कर देती है। यह बटी दीपन पाचन तथा मुख को फीकापन दूर कर पाचन को ठीक करती है। अग्निमान और अजीर्ण को ठीक करती है। गंधक को शुद्ध करके ही प्रयोग किया जाता है। इसमें एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक, एंटीमाइक्रोबियल और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के गुण होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और सभी प्रकार के संक्रमणों में बहुत ही लाभकारी औषधि है। ये बहुत सी औषधियों को मिलाकर बनाई जाती है, जैसे शुद्ध गंधक, दालचीनी, इलायची, तेजपत, नागकेसर, गाय का दूध, गिलोय रस, त्रिफला, सौंठ, भृंगराज आदि। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो ये बहुत सी बीमारियों के काम आती है, जैसे फंगल इन्फेक्शन, खुजली, एक्जिमा, डैंड्रफ, मुहासे, सिर के फंगल इन्फेक्शन, सूजन वाले त्वचा रोग, मसूड़ों में सूजन, सोरायसिस, मूत्रमार्ग के संक्रमण, यौन रोग, मधुमेह, कृमिनाशक, पाचन शक्ति में सुधार, पुरुष और महिलाओं में प्रजनन क्षमता में सुधार, पुराने बुखार, बात रक्त और गठिया में उपयोग किया जाता है। अगर हम इसके डोजेज की बात करें तो बड़ों के लिए 1 से 2 गोली दिन में 3 बार जल से। दवाएं चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लेनी चाहिए। गंधक रसायन को लेते समय ज़्यादा खट्टे और एसिड को बढ़ाने वाला भोजन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहे।